साल बदल रहा है। 20 था, 21 आया, 21 है, 22 आएगा। क्या साल के साथ साथ आप भी बदल रहे हैं? क्या आपके लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं? क्या आपकी लाइफ भी ग्रो कर रही है? ग्रो कर रही है तब तो ठीक है। अगर जैसे आप सन 2020 में थे, जैसे आप सन 2021 में थे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आप 20 में भी वैसे थे, 21 में भी वैसे थे, तो जनाब साल बदलने से कुछ नहीं होता है। जैसे 21 है वैसे 22 आ जाएगा, बस कैलेंडर बदलेगा, इंसान की जिंदगी नहीं। अगर सन 2022 में आप बदलना चाहते हैं खुद को, तो आपको अपने एम के ऊपर, आपको अपने गोल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मेरा मानना यही है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर कितनी सक्सेस मिलेगी, कितने लोग आपको जानेंगे, कितना आपको फेम मिलेगा या कितनी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके फोकस के ऊपर। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके फोकस के ऊपर। अगर आप अपनी स्टडी में फोकस कर रहे हैं, आप अपने किसी भी स्टडी को छोड़ के बता रहे हैं, आप किसी भी काम में अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आप उसमें तरक्की करेंगे। लेकिन अगर जनाब आपका फोकस क्लियर नहीं है, तब तो काम नहीं बनने वाला है। मैं आपको बहुत एक शानदार कहानी बताने वाला हूं और बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल आपको उससे हम जस्टिफाई करने वाले हैं। मान लीजिए एक डॉग है और आपके पास कुछ मीट के टुकड़े हैं, 10-5 किलो मीट आपके पास है और आपके सामने डॉग है, तो आपने मीट का एक टुकड़ा उठाया, दाईं ओर फेंका, डॉग ने देखा और भागता हुआ गया दाईं ओर, उस टुकड़े को उठाकर खा गया। आपने फिर मीट का टुकड़ा उठाया, बाईं ओर फेंका, डॉग ने उधर देखा बाईं ओर, मीट का टुकड़ा उठाया और खा लिया। आपने फिर तीसरी बार मीट के टुकड़े को उठाया, फिर से दाईं ओर फेंका, डॉग ने फिर देखा, डॉग ने फिर दाईं ओर देखा, मीट का टुकड़ा उठाया और खा गया। आप जिस दिशा के अंदर मीट का टुकड़ा फेंक रहे हैं, डॉग उधर भागेगा। आपने दाईं ओर फेंका, दाईं ओर गया, आपने बाईं ओर फेंका, बाईं ओर गया। आप जिधर फेंकेंगे उधर कुत्ता दौड़ेगा, जिधर आप दौड़ाना चाहेंगे उधर कुत्ता दौड़ेगा। लेकिन अब सपोज करिए आपके सामने एक शेर है, एक लाइन है, आपके पास मीट की पोटली भी है जिसमें 10-5 किलो मीट भी है। आपने पहली बार मीट का टुकड़ा उठाया और दाईं ओर फेंका, लाइन क्या करेगा? सिर्फ उस टुकड़े को देखेगा, फिर आपकी तरफ देखेगा। आपने फिर दोबारा हिम्मत की और मीट का टुकड़ा उठाया, बाईं ओर फेंका, लाइन क्या करेगा? भागेगा नहीं, फिर से बाईं ओर देखेगा, फिर आपको देखेगा। जैसे ही आपने तीसरी बार हिम्मत करके मीट का टुकड़ा उठाया और दाईं ओर फेंका, लाइन क्या करेगा? दाईं ओर देखेगा, फिर आपकी तरफ देखेगा, भागेगा नहीं। क्योंकि शेर जानता है कि तुम्हारे पास बहुत से मीट के टुकड़े हैं और इंसान खुद ही एक मीट की पोटली तो है पूरा, तो वो क्या करता है ना, वो दाईं ओर भागता है ना बाईं ओर भागता है। उसको पता है कि इस इंसान के पास बहुत सा मांस है, वो डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक करेगा, आपको भी खा जाएगा और साथ में मीट के टुकड़े भी खा जाएगा। तो आपको इस कहानी से यह बात समझ में आ गई होगी कि आप किस मेंटेलिटी के साथ जीते हैं। आपके लाइफ में बहुत सी छोटी छोटी डिस्ट्रक्शन होती हैं, जैसे किसी का मैसेज आ गया, या किसी की मैरिज पार्टी आ गई, या किसी की बर्थडे पार्टी आ गई, या किसी से बेफजूल में किसी से मिलना हो गया। ये छोटी छोटी डिस्ट्रक्शन है, छोटी छोटी हड्डियां आपकी लाइफ में आती रहेंगी,
अगर आप इनकी इन हड्डियों के पीछे कुत्ते की तरह इधर उधर भागेंगे तो जनाब आप भूल जाइए कि आपको अपनी लाइफ का जो बड़ा गोल है वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। वो गोल तभी मिलेगा जब आप लाइन मेंटेलिटी के साथ जिएंगे। अगर जिंदगी में छोटी छोटी हड्डियां आप देखेंगे तो हमेशा बड़ी मंजिल से दूर रहेंगे, और अगर आपको बड़ी मंजिल को पाना है तो छोटी छोटी हड्डियों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। छोटी छोटी हड्डियों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। इन छोटी छोटी हड्डियों को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। अब आपको तय करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप आने वाले साल में खुद को बदल रहे हैं या नहीं, या जिस तरह से लाइफ आपने सन 2021 में काटी है, सन 2022 में भी वैसे ही काटेंगे। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदलें, क्योंकि आदतों से ही इंसान बदलता है। आपकी एक अच्छी आदत आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है, और आपकी एक बुरी आदत आपकी पूरी लाइफ को खत्म कर सकती है। अपनी आदतों में बदलाव लाएं, खुद के अंदर बदलाव लाएं, और सन 2022 को एक अपने लाइफ का लाइफ चेंजिंग ईयर बनाएं। सन 2022 को अपनी लाइफ का लाइफ चेंजिंग ईयर बनाएं। डिसाइड आपको करना है कि आप डॉग मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं या लाइन मेंटेलिटी के साथ। अगर आप डॉग मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं तो बस छोटी छोटी हड्डियों के पीछे भागते रहेंगे जिंदगी भर। अगर आप लाइन मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा गोल अचीव करने को जरूर मिलेगा। आप उस हाई लेवल की सक्सेस जरूर पाएंगे। तो खुद को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए, और सन 2022 को अपना लाइफ चेंजिंग ईयर बनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।